हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने अभी अनबॉक्स करने जा रहा हूँ वाइल्ड क्राफ्ट का एक रक्सैक फ्लिप रक 2। सामने मेरा गोईचला ट्रैक है, अक्टूबर का 22 अक्टूबर, आज हो गया 27 सितंबर। 22 अक्टूबर मेरा गोईचला ट्रैक है, तो आप जानते ही हैं गोईचला थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का ट्रैक है। तो इस ट्रैक के लिए मुझे एक अच्छा रक्सैक चाहिए था, लेकिन बजट थोड़ा हाई नहीं था, इसलिए मैं बहुत पहले डिकैथलॉन गए थे, उधर फोर क्लास का एक रक्सैक मुझे पसंद आया था, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली था, 5,000 रुपये के ऊपर थोड़ा प्राइस था उसका। तो मैंने पहले सोचा था कि वही खरीद लूँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा माइंड को चेंज किया। फ्लिपकार्ट का जब बिग बिलियन डे स्टार्ट हुआ 23 सितंबर को, तब मैंने ऑर्डर किया। थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद मैंने ऑर्डर किया वाइल्ड क्राफ्ट का फ्लिप रक 2 रक्षक। वो नेक्स्ट डे मतलब 24 सितंबर को ही डिलीवर हो गया था, तो वो अभी मैं आज अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। ये फ्लिपकार्ट की तरफ से एक बड़ा सा एक पैक आया है, इतना सा बड़ा एक पैक आया है, इसको मैं अभी ओपन करने जा रहा हूँ। ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं खुद के पैसे से ये ऑर्डर किया था बिग बिलियन डे पे, 1700 इसका प्राइस था, 1700। तो अभी थोड़ा प्राइस बढ़ गया है, देखते हैं खोल के इसको। फ्लिपकार्ट की तरफ से एक अच्छा सा हार्ड केस पे आया है, 3 कलर वेरिएंट है इसका, एक रेड, एक नेवी ब्लू और एक ब्लैक। तो मैंने रेड वाला ही पसंद किया था। तो ये बैग रेड कलर पे ही आया है, इसको एक पॉलीथिन के अंदर आया है, इसको खोल के देखते हैं। तो ये वाला है वो बैग, ऐसे पीछे कुछ मैनुअल्स दिया हुआ है कैसे इसको यूज करना चाहिए, उसका वायर मैनुअल और लोड मैनुअल, लोड मैनुअल दिया हुआ है और वायर मैनुअल दिया हुआ है, इसके साथ एक वारंटी कार्ड भी है। तो इसको मैं काट दूंगा, ये मैनुअल था। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है थोड़ा देखते हैं, कैसे दिखाऊं। ये वाला अच्छा, पहले देखते हैं इसके अंदर रेन कवर है या नहीं। तो हाँ, इसके अंदर रेन कवर है, एक चेन के अंदर। एक ब्लैक कलर का रेन कवर है इसके साथ, ब्लैक कलर का। ये 60 लीटर का बैग है, पैडिंग बहुत ही अच्छा है, पैडिंग इसका बैक साइड पैडिंग अच्छा ही है, इधर स्ट्रैप्स हैं, मतलब 1700 के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर एकदम मिडिल में एक मेटल का सीट है, जो आपको बैक को स्ट्रेट रखेगा और पहाड़ पे चलने टाइम पे बैक पेन नहीं होगा, अच्छा सा पैडिंग है। दो इधर दो पैडिंग, और ये तो टोटल पैडिंग है, दो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और ये वाला भी, ये पोर्शन भी
पैडिंग ही है, और जो स्ट्रैप्स हैं स्ट्रैप्स के साथ भी पैडिंग है। इधर टॉप पे एक चेन है जिसमें आप छोटा मोटा सब सामान रख सकते हैं। इधर पे एक कार्ड है, QR कोड कार्ड, अंदर ऑरेंज कलर। और सामने से ये ऐसा दिखता है, ये वाला स्टेप्स को ओपन करना है, ये वाला स्टेप्स को ओपन करना है। इधर कंपार्टमेंट एक ही है, एक ही कंपार्टमेंट, और अंदर में एक पाउच है, अंदर में एक पाउच है जिसमें चेन है। अब छोटा मोटा टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब चीज़ अब इधर रख सकते हैं। ओके, इधर क्लिप है, अब इसको ऐसे बांधने का रोप, और ये है। बाहर में एक अलग सा चेन है, ये वाला एक अलग सा चेन है। इसको ऐसे खुलते हैं, चेन का क्वालिटी भी अच्छा ही है, मतलब इस प्राइस के हिसाब से मुझे सब कुछ अच्छा लगा। बड़ा सा एक पूरा एकदम, मतलब दो कंपार्टमेंट है इसका, दो कंपार्टमेंट है, पैडिंग भी है, और ऊपर में एक चेन है, अंदर में एक छोटा सा पाउच टाइप एक है जिसमें चेन है, और पीछे स्ट्रैप्स पे पैडिंग है। ये जो वेस्ट का जो स्ट्रैप्स, इसमें भी अच्छा सा पैडिंग है, और मिडिल में, बैक साइड मिडिल में, अंदर एक ही, दो नहीं, एक ही, मतलब अच्छा अच्छा क्वालिटी का जो रुकसक होता है उसमें दो मेटल का स्टिक रहता है। तो इधर एक ही है लेकिन थोड़ा वाइड है, मतलब एक ही है, तो बिल्कुल सब ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये रेन कवर भी है इसके साथ, 60 लीटर स्पेस है। तो प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छा एक बैग है, सब कुछ एकदम मुझे तो परफेक्ट लग रहा है। 1700 के हिसाब से मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।